दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में काफी बड़ा बदलाव किया है, जो कि आप लोग सुन करके बहुत ही हैरान हो जाओगे। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ जिसको सुन करके आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने बहुत ज्यादा अपने सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया है। यहाँ पर इन्होंने एक्सिस बैंक और HDFC जैसे बड़े बैंकों से मुकाबला कर रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 100-200 रुपए ही कम होगा, नहीं तो यहाँ पर ये HDFC और एक्सिस बैंक जैसे बैंकों से ये मुकाबला कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन से सर्विस चार्जेस को यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने इंक्रीज किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर पहले आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रूरल में 500 रुपए, सेमी रूरल में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता था, और यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को चार्जेस 250 रुपए प्लस GST देना होता था। लेकिन अब ये चार्जेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों को यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के जरिए आप लोगों को MAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब आप लोग यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों को समय पीरियड ओनली 30 डेज का मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पर अगर हम चार्जेस की बात करें तो रूरल में आप लोगों को मैक्सिमम 100 रुपए प्लस GST, और वहीं पर सेमी अर्बन में आप लोगों को मैक्सिमम 200 रुपए प्लस GST, अर्बन में आप लोगों को मैक्सिमम 300 रुपीज प्लस GST, वहीं पर मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 400 रुपीज प्लस GST MAB यानी कि मंथली चार्जेस देना होगा, अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और ये चार्जेस 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करें दोस्तों अगर हम करंट अकाउंट्स की, तो आप लोगों को पता है कि पहले आप लोगों को यहाँ पर भी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता था, और यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, वहीं पर अर्बन में आप लोगों को 5000 रुपीज, मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 10000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता था। लेकिन अब यहाँ पर भी आप लोगों को MAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हो तो भी यहाँ पर आप सावधान हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को मंथली एवरेज बैलेंस ही मेंटेन करना होगा। और अगर आप यहाँ पर बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में रूरल के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस GST, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 200 रुपए प्लस GST, अर्बन के कस्टमर्स को 300 रुपए प्लस GST, वहीं पर मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 400 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा मंथली के हिसाब से। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जो चार्जेस है वो दोनों ही केसों में सेम है। सेविंग्स अकाउंट्स पर भी आप लोग को सेम चार्जेस देना होगा, और करंट अकाउंट्स के ऊपर भी आप लोग को सेम चार्जेस देना होगा। हालांकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मिनिमम बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफरेंसेस है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने बहुत ही बड़ा गलत काम किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जिनका भी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट्स है वो बहुत ही आम पब्लिक है, और काफी छोटे लेवल के पब्लिक भी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करवाना प्रिफेयर करते हैं। अब अचानक पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर क्वार्टरली से सीधा MAB कर दिया, और यहाँ पर 250 जहाँ पर चार्जेस था वहां पर सीधे 400 रुपए कर दिया, 150 रुपए बढ़ा दिया, जिसमें अगर हम GST जोड़ेंगे तो ये सीधे सीधे जाएगा कम से कम 475 या फिर 480 के करीब में जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही गलत काम पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। पंजाब नेशनल बैंक को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर इनको इंक्रीज करना ही था तो 25-50 रुपए इंक्रीज कर देते, क्योंकि यहाँ पर काफी छोटे लेवल के भी व्यक्ति हैं जिनका खाता है पंजाब नेशनल बैंक में। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेबल नहीं है दोस्तों। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो चार्जेस है ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये पल्स क्रिएटर के द्वारा एडिट किया गया है, और अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप अपना वीडियो एडिट करवाना चाहते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग में समस्या हो रही है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाई हुई है, उस पेज पर जाकर के हमारे उस पेज को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को बैंकिंग के रिलेटेड नई नई जानकारी मिल सके और आपको अपडेट बहुत ही जल्दी मिले। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।